Oh my God, not again, it's raining, man. कितना सुंदर लग रहा है ना। अगर आप ओयो बुक कर रहे हो थ्रू ओयो ऐप तो प्लीज ओयो की वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिएगा। The feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. A very good morning from Pondicherry. Right now I am in Pondicherry and it's around 7 o'clock and I am leaving to Chennai. Chennai is around 1:30 and बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। अंदर की साइड चलते हैं ना रूम में। तो बेसिकली बात यह है कि बाइक के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मेरे को लग रहा है कि इंजन में से थोड़ी बहुत साउंड आ रही है, वो मेरे को एक बार चेक करानी है सुजुकी सर्विस सेंटर पे। चेन्नई थोड़ा सा घूमना है, पौंडीचेरी तो मैं ज़्यादा घूमा नहीं क्योंकि मेरा कल हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हाँ, धोके बस मेरे को यहाँ से अभी निकलना है, सारी बस पैकिंग करनी है, थोड़ा सा सामान रह गया है, बाकी सब पैक है। हार्डली हाफ एन आवर के अंदर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, बाकी सब एकदम बढ़िया है। और अभी थर्ड एपिसोड है K2K का, अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन में लिंक अभी यहाँ पे नहीं है, आगे आप टैप करके देख सकते हैं। तो पहले ये वाला व्लॉग पूरा देखिएगा, उसके बाद आई बटन का लिंक चेक कर लीजिएगा। सो विद दिस आई एम ईशान, वेलकम टू माय लाइफ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई बी फैन। पता नहीं यार ये काले बादल क्यों क्या ही आजकल वैसे रूठे हुए हैं। शायद जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे बस ऊपर काले बादल होते हैं। यहाँ से अभी 128 किलोमीटर है और 2 घंटे और 9 मिनट दिखा रहा है और अभी 7:47 हो गए हैं। मैं बस फटाफट से यहाँ से निकल रहा हूँ इससे पहले कि ये बरस जाए और मेरे को पूरा भिगो दे। मैंने अभी फिर से वाटर प्रूफिंग नहीं करी है और 2 घंटे की राइड के लिए भी यार हद हो गई यार। प्लीज़ भगवान ऐसा मत करो मेरे साथ। तो ये राइड में पूरा बे ऑफ बंगाल है जो कि शानदार लग रहा है, बिल्कुल शानदार। I have to get servicing my bike in Chennai and there is some messy sound from the engine that is also comes out. If there is no rain then I will be arrive around 9:57 as per the Google Maps, but I think I will be at 9:45. I am thinking that firstly I will reach Chennai, I will directly go to the Suzuki showroom of Chennai for showing my bike. If they service today then it will be so good for me. The range of the black clouds are look like 2 kilometers from my hotel, but recently I have completed 11 or 12 kilometers but the clouds is at their same position. How much kilometer you spread, man? This is the first ancient toll of the day. Oh, kitna sundar lag raha hai na, sare clouds aur aise ye pura pani, bahut sahi lag raha hai. Buckingham canal, this is the Palar river, its name is Palar, PALAR. हाईवे सारे सिंगल लेन हैं और साइडों में सारे ऐसे पेड़ हैं, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडा रहता है रोड, गर्मी नहीं लगती। यहाँ से अभी 2 रास्ते जा रहे हैं मेरे को, लेफ्ट वाले पे जाना है चेन्नई और राइट वाला कुछ बटबतम ऐसे कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे जाता है। वहाँ से बचा है 57 किलोमीटर, डेट इज़ अराउंड 1 आवर। कितने का है? 40। मलाई फिर दे दे। दिस इज द सेम कैनाल एज बिफोर, एक्चुअली आई फॉरगॉट द नेम। नाउ आई एम एट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन द राइट, देयर इज बे ऑफ बंगाल एंड स्ट्रेट इज चेन्नई। ओह माय गॉड, नॉट अगेन, इट्स रेनिंग मैन एंड इट्स रेनिंग सो हार्ड। यार नाउ वेयर टू पार्क द बाइक। माय गॉड, बारिश अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, बड़ी मुश्किल से इस पे मैंने इस बैग पे कवर चढ़ाया था, टैंक बैग पे, क्योंकि ये बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इसके अंदर मेरे सारी कैमरेज वगैरह सब कुछ इसी में रहते हैं और पीछे तो पूरा सब कुछ गीला हो गया, मैं पूरा गीला हो गया। जल्दी से मेरे को कोई एक शॉप दिखी थी पर वहाँ पे कोई वो नहीं था शेड की मैं बाइक कवर कर सकूँ। उसके बाद तो भाई जो बारिश हुई है एकदम से, जो ये सबसे ज़्यादा मेरे को ना यहाँ पे दिक्कत लगती है यार साउथ में, कभी भी ना इतनी तेज़ बारिश हो जाती है और फिर कभी भी रुक जाती है, और अब देखो बिल्कुल क्लियर हो गया है और धूप भी निकल आई है, तो वही बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जल्दी से मैंने सैडल बैग उतारे,
सारी की सारी बंजी खोली, सारे बैग खोले और उतार के जल्दी से उस शॉप के अंदर डाले। बड़ी मुश्किल से, बहुत स्पीडी, पता नहीं अभी भी पानी अंदर गया है कि नहीं गया, बट बैग तो पूरे गीले हो गए और फ़ोन भी पूरा पानी के अंदर ही था। और अभी तो और एक और चीज़ दिक्कत हो गई है कि मेरा जो होटल है वो चेन्नई से 24 किलोमीटर पहले बुक हो गया है, बट अब क्या कर सकता हूँ, पेमेंट हो चुकी है, 2 दिन का ले लिया है और कुछ सोल्यूशन नहीं है। अब चेन्नई तो जाना पड़ेगा, चेन्नई घूमने के लिए अब 24 किलोमीटर का ट्रैवल अलग से करना पड़ेगा, उसके बाद जो वहाँ पे घूमना है वो अलग। तो यार ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है बहुत, बट सो फार सो गुड। अभी मैंने जैकेट की पूरी जिप वगैरह खोल रखी है क्योंकि पूरा गीला है, थोड़ी हवा लगेगी तो थोड़ा सा सूखेगा, देखते हैं। अब थोड़ी धूप हुई है तो कुछ कुछ तो सूखेगा। ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस, यहाँ पे सारे चलान वगैरह कट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पुलिस है। बाकी अपना होटल बस यहाँ से 6 किलोमीटर बचा है। चलो ओके, दिस इज़ माई होटल फॉर टुडे। अभी 12 बज गए हैं और अब मेरे को रूम मिला है ठीक दो घंटे बाद। 10 बजे मैं पहुंचा था। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कभी भी कहीं पे घूमने जा रहे हो, किसी भी ट्रिप पे, अगर आप ओयो बुक कर रहे हो थ्रू ओयो ऐप, तो प्लीज़ ओयो की वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि 2 घंटे का मेरा ये इशू रहा है। जो टैरिफ ओयो ने चार्ज किया था वो होटल वाले उस पे नहीं एग्री कर रहे थे, और फिर बड़ी मुश्किल से होटल वालों ने उस पे एग्री करा तो ओयो वालों ने मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट माई कन्फर्मेशन, विदाउट माई कंसेंट। सो ये बहुत ज़्यादा इशू रहा है, प्लीज़ ओयो ऐप पे ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिएगा, यह हमेशा याद रखना अगर आप कभी बुक कर रहे हो तो। पे ऑन अराइवल हमेशा कीजिएगा। और पूरी कहानी अब मैं नहीं बता सकता, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, क्योंकि 2 घंटे यही डिस्कस चला है और दो घंटे तक मैं बस उनके कस्टमर केयर से बात करता रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से रिफंड अब उन्होंने इनिशिएट किया है, वो भी 7 से 14 दिन लगेंगे। सो बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत हो गई है यहाँ पे, बट अभी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, भूख लग रही है, मैंने खाना वाना ऑर्डर किया है, खाना वाना खा के फिर बाइक की सर्विस कराने के लिए दिखाने जाऊँगा सुजुकी पे। और आज का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ये सब होएगा, बट कोई बात नहीं यार, चलता रहता है अब ये सब चीज़ें तो राइड पे, बट ये होना नहीं चाहिए था। वैसे न्यू यॉर्क बैक टू माय कोल्ड अपार्टमेंट डिस्टेंस सक्स बट आई लीव स्टिल विद यू। अभी मैंने थाली ऑर्डर करी थी और वो आ गई है। दिमाग खराब है आज बहुत ज्यादा, बहुत लिटरली बहुत ज्यादा दिमाग खराब है आज ओयो के चक्कर में। मिक्स वेज, दाल, शाही पनीर, स्वीट डिश, पिकल, सैलेड, राइस एंड रायता एंड चपाती एंड पापड़। सो ऑल राइट, इट्स 1:17 एंड आई एम गोइंग टू नियर बाय सुजुकी सर्विस सेंटर फॉर जस्ट सर्विसिंग माई बाइक और चेकिंग माई बाइक, वट इज़ द इशू इन द इंजन और एनीथिंग। आई एम टेकिंग माई लैपटॉप विद मी फॉर वीडियो एडिटिंग एंड ऑल। इट विल बी क्लोज अराउंड 5 PM, सो आई एम इन हरी राइट नाउ, सो लेट्स गो। यहाँ से 10 किलोमीटर है सर्विस सेंटर, जो कि अराउंड 20 मिनट्स का रास्ता है। लेफ्ट में यहाँ पे एयरपोर्ट का रास्ता है, बट मुझे यहाँ से राइट जाना है। प्रमन सुजुकी क्यों? So many vehicles. हाँ? Waiting? Waiting है? Wait and take. Waiting है? इस सुजुकी वालों ने अभी सर्विस नहीं करी और इंजन का भी अभी कुछ श्योरिटी नहीं दी है, क्योंकि अभी इनके पास वेटिंग ही इतनी थी कह रहे हैं। तो कल वैसे यहाँ पे तमिल का कोई न्यू ईयर है, पता नहीं तमिल का या चेन्नई का, तो वैसे यहाँ पे कल हॉलीडे है। तो अब दूसरे वाले के सुजुकी सेंटर पे भेजा है और यहाँ से 10 किलोमीटर है, 25 मिनट का वहाँ का रास्ता है, अब देखते हैं। हालत ख़राब हो गई है मेरी तो, इतनी देर से ट्रैफिक। बस सिर्फ 200 मीटर है और 200 मीटर जाना ही मुश्किल हो चुका है। गो, दे आर कमिंग। सीन कुछ ऐसा है कि अभी सुजुकी पे बाइक मैंने दी तो है और ये लोग कह रहे हैं कि उसके क्रैंक के बैरिंग में दिक्कत है और उसके मेन इंजन के अंदर दिक्कत आ गई है, और वो अभी तो मैंने अभी सिर्फ सर्विस वगैरह करा रहा हूँ और जो भी होता है सारी चीज़ें वो अभी देखता हूँ। और क्योंकि क्रैंक में है, और मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे कल इनका हॉलीडे है, कल यहाँ पे इनका न्यू ईयर है चेन्नई तमिल का, और
फ्राइडे है, फ्राइडे को ये कर नहीं रहे, सैटरडे को ऑफ है, संडे को ऑफ है, देन मंडे को ये करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं वारंटी में अगर आप क्लेम करोगे तो वारंटी क्लेम करने में 1 वीक लगेगा और वो मेरे पास टाइम नहीं है 1 वीक का यहाँ पे रहने के लिए। तो अभी मैं यहाँ से चला जाऊँगा और हो सकता है रास्ते में कहीं पे कराऊँगा कोई दिक्कत आती है, नहीं तो फिर अपने हरियाणा जाऊँगा और सबसे पहले वहाँ पे जाके ये काम कराऊँगा, उसके बाद आगे की राइड को कंटिन्यू करूँगा। और सर्विस करने के बाद मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ और अभी मेरे को हो गए हैं यहाँ पे 2-3 घंटे, पर 5:15 तो हो ही चुके हैं, बाकी अभी चल रहा है काम और कुछ ऐसा सही सिनेरियो है। बाइक का पूरा इंजन वगैरह खोल के इन्होंने चेक करा है, इंजन के अंदर दिक्कत आ रही है। इन चीज़ क्या है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी रुकने की, बस ये कह रहे हैं कि नॉइस करेगा बहुत ज़्यादा, क्रैंक का बेयरिंग वगैरह कट गया है उसका कुछ हुआ है, वो बस कट 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 की नॉइस करेगा, इससे ज़्यादा और कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा ही कह तो रहे हैं, और ना ही आए तो अच्छा है, बस मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं इसको करा ही लूँगा और वहाँ से राइड चलती रहेगी। रास्ते में घर तो आना ही है तो वहाँ पे उसको करा ठीक करा लेंगे और बाकी अपने कपड़े वगैरह और कुछ सामान जो भी घर पे रखना है वो रख देंगे, कपड़े वगैरह भी धुल जाएंगे और जो गर्म कपड़े उठाने वो भी उठा लेंगे, क्योंकि आगे लेह लद्दाख वगैरह कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो गर्म कपड़े तो चाहिए और वो मेरे पास है नहीं। मौसम अभी बारिश का हो रहा है इसीलिए मैं शोरूम से बस अभी तो मैंने पॉलिश भी नहीं कराई, सीधा बस वॉशिंग के बाद इसको ले के आ गया हूँ, जो भी इशू है वो अब देखते हैं, बस ये हरियाणा तक पहुंच जाए बात। सो फाइनली बाइक की सर्विस वगैरह करवा के मैं आ गया हूँ और बाइक में अभी दिक्कत ये है कि बाइक का जो इंजन है इंजन के अंदर जो क्रैंक है उसके बैरिंग आवाज़ कर रहे हैं और वो दिक्कत दे रहे हैं। लेह लद्दाख जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर पर चला जाऊँगा एक बार और ये इंजन का काम करा के उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मतलब आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं अभी व्लॉग से थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, 4-5 दिन आ गए हूँ, इतने में इंजन का काम हो जाएगा। आज का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव था और आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा बुरा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे।